सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो आज है वेंसडे मॉर्निंग, मेरी जॉब थोड़ी सी लेट है तो गुरसाहिब जी को जॉब पे भेजने की तैयारी चल रही है। ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया जा रहा है और बाहर जो मौसम है भाई, बहुत अच्छी धूप निकली और कल का दिन जो था ना, सारा दिन बारिश आती रही और ग्लूमी सा वेदर था सारा दिन। तो मैं आपको दिखाती हूँ, हमारा पैटियो वगैरह सब भीग चुका है, मतलब वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी हम सबके पेड़ झड़ गए हैं और येलो हो रहे हैं, हमारे कोई भी नहीं हुआ। ये बड़ा अजीब लग रहा है मुझे, तो वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो अभी ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं, गुरसाहिब जी को जॉब पे भेजते हैं। और मेरे घर में ना इतने सारे पार्सल आ गए हैं ना दो तीन दिन में, क्योंकि मैंने ऑर्डर करे थे महीना पहले, राइट। तो वो भी आपके साथ आज शेयर करूँगी। कल का दिन भी था जो हमने वीडियो बनानी थी बट हमने बनाई नहीं थी, क्योंकि ग्रोसरी पता नहीं क्या कुछ, कल इतना बिजी डे था ना कि मैं आपको क्या बताऊं। तो अभी चल रहा है ब्रेकफास्ट, बन रहा है आलू के सैंडविच वगैरह बनाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये गुरसाहिब जी खा के जाएंगे। इस साइड हमारी बन रही है चाय जिसमें चीनी डालनी बाकी है, कल ये गुरसाहिब जी ने नीचे गिरा दिया था चाय उबाल दी थी, तो ये आज क्लीन करूँगी मैं। और यहाँ पर अभी बनाई जाएगी गुरसाहिब जी के लिए रोटी। तो भी ये कल धमाकेदार पार्सल आया था, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है बट मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं इसमें, सो वीडियो में ज़रूर शेयर करेंगे। तो गाइस, मैं गुरसाहिब जी का ना लंच पैक कर रही थी तो मैंने सोचा आपके साथ एक बड़ी बढ़िया बात शेयर कर लेती हूँ। तो ये सोर्स वाला जो योगर्ट है ये हम यूज़ करने लग गए हैं, इतना अच्छा टेस्ट है ना इसका भाई, मैं क्या बताऊँ। और इसकी जो मेनली न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बहुत बढ़िया हैं, तो इस वजह से भी हम ये यूज़ कर रहे हैं आजकल। और इसमें मिला लो अपने फ्रूट्स वगैरह, ओह माय गॉड, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो ये हमने अपनी डाइट में स्टार्ट किया और वी बोथ लव इट। तो भाई ब्रेकफास्ट हो चुका है रेडी और अब मैं देखूंगी अपना आराम से यहाँ बैठ कर टीवी। गुरसाहिब जी जा रहे हैं अब ऑफिस। बड़ी जल्दी जा रहे हो आप, कह रहे हो जब लेट हो रहे होते ना तो जवाब भी नहीं देते हैं। बाय बाय। बाहर इतना ठंडा ठंडा वेदर हो गया ना, है ना, अंदर ज्यादा गर्मी है बाहर ठंड। हाँ, शाम को मिलते हैं। पानी देने वाला हो रहा है ग्रास वगैरह को, शाम को देंगे गुरसाहिब जी। वो देखो पत्ते गिनने स्टार्ट हो गए, मैं आज ही सुबह बात कर रही थी आप लोगों से। हाँ जी, तो यार मैं निकल गया हूँ अपने ऑफिस के लिए आज, भाई साहब बहुत सारा काम है, थोड़ा सा लेट गया हूँ क्योंकि दो तीन मीटिंग थी। जैस्मिन जी ऐसी मेरे को बदनाम करती रहती है, ऐसा नहीं है कि मैं लेट जाता हूँ, लेट जाने का मतलब ये है कि जो सुबह सुबह मीटिंग होती है 9 बजे 9:15 9:30 की जो मीटिंग होती है मैं घर से अटेंड कर लेता हूँ, क्योंकि क्या करेंगे इतनी जल्दी ऑफिस जाके मीटिंग ही तो अटेंड करनी है। लेकिन जिस दिन मीटिंग नहीं होती है तो उस दिन मैं थोड़ा टाइम से ऑफिस जाता हूँ, ऐसे मेरे को उन्होंने पब्लिकली बदनाम किया हुआ कि भाई साहब मैं लेट जाता हूँ, तो ये हिसाब किताब है। बाकी कल मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाली थी थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल टाइप की, क्योंकि यार मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हुआ था जब वो बंदे ने मेरे को वीडियो दिखाई, मतलब एक कनेडियन बंदे ने दिखाई, उसने ऐसा ऐसा बोला, मेरे को दुख भी हुआ गुस्सा भी आया कि भाई साहब ये क्या कर रहे हैं। मतलब पहले जो इतने सारे लोग आ रखे हैं जिन्होंने अपनी यहाँ पे इतनी अच्छी इमेज बनाई है, मतलब यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है, मेहनत की है, उसको उसकी ना तुम मिट्टी पलीद कर रहे हो, मतलब यही कहते हैं ना कि बिल्कुल ही उसको कचरा कर दे रहे हो, तो बहुत गलत बात है। और अगर आपके हाथ में कैमरा है, फ़ोन है, वीडियो बना सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी बनाते रहेंगे, ऐसा कुछ बनाएंगे जिससे हमारी अपनी कम्युनिटी का नाम खराब होगा, तो ये सब मत करो यार एक एक दो दो डॉलर के चक्कर में, मतलब बिल्कुल ही ये तो मैं क्या बोलूँ, गलीच पनासा हो गया है, तो मतलब जो भी है इट्स नॉट गुड, तो थोड़ा सा समझना चाहिए इसको, इट्स नॉट गुड। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हमारी लाइफ के अंदर चल रही हैं, दो तीन चीज़ें लॉन्च करनी हैं, जैस्मिन जी भी लगी हुई हैं, मैं भी काम पर लगा हूँ, बहुत कुछ है, तो कोशिश कर रहे हैं कि भाई वैल्यू ऐड कर पाएं, कुछ ना कुछ बढ़िया कर पाएं, तो बस वो चल रहा है। बाकी अभी तो फिलहाल ऑफिस जा रहे हैं भाई साहब, काम करना पड़ेगा। तो गाइज मेरी अभी जॉब तो है बट ये जो प्रोडक्ट आया है ना ये कोई भी क्या कहते हैं प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बट हाँ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स इंटरेस्टेड होती हैं ये जानने में व्हाट इज द रीजन बिहाइंड योर ग्लोइंग स्किन, बट ऐसा सच कुछ नहीं है। कोई प्रोडक्ट इतना काम नहीं करेगा जब तक आप अपने खाने पीने का या फिर पानी नहीं पियोगे तो कोई चीज़ का वो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने ये मंगाया अपने सारे कोरियन प्रोडक्ट्स। अब इंस्टाग्राम पे भी मैं पोस्ट करूँगी वैसे तो, क्योंकि सबका ये रहता है कि खरीदने कहाँ से हैं, तो एक वेबसाइट है, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है बट येस आई रियली वॉन्ट टू मैंशन बिकॉज आई वॉन्ट टू हेल्प यू गाइज। तो मेरा जो है सामान आ चुका है, ओ माय गॉड ये पूरा का पूरा ऐसे भरा हुआ है ना कि मैं खुद एक्साइटेड थी, एक महीना हो गया इसको शिपिंग में, ज़्यादा टाइम लगता है। ये है ग्लोइंग मास्क ब्यूटी ऑफ जॉनसन का, जो कि
मैं लगाऊंगी और मैं आपको दिखाऊंगी। एक्ने फेस वॉश और क्या आया इसमें, पीलिंग जेल आया। गुरसाहिब जी ना हर चीज मेरी ट्राई करने की कोशिश करते हैं, तो आई थिंक उनको भी दिया जाएगा ऑब्वियसली। और ये तो अच्छा, ये चीज जो है ना, दिस इज गोइंग टू बी माई फेवरेट वन, बिकॉज क्या कहते हैं, स्टिक है, क्या कहते हैं उसे, सनस्क्रीन स्टिक। तो जब आप कहीं बाहर जाओ, मोस्टली क्या होता है, लिक्विड ट्रैवल कर, जब हम ट्रैवल करने जाते हैं तो लिक्विड ज़्यादा लेके जा नहीं पाते, तो जस्ट रब इट ऑन योर स्किन एंड इट्स गुड टू गो। एंड ये भी मैंने मंगाया है। अगर आपको इन सब का लिंक चाहिए तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी। और ये मैंने मंगाया था हेयर मास्क जो कि कोरियन है, एंड ये रही लिप बाम, ये भी बाम है, ये थोड़ा एक्सफोलिएटर वगैरह। बहुत सामान मंगाया यार मैंने, बहुत ज़्यादा ही कुछ हो गया। और ये स्नेल म्यूसिन था, ये क्रीम है, ऑल इन वन क्रीम है, आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद मैंने ब्यूटी ऑफ जॉनसन की सनस्क्रीन मंगाई है जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल है इंस्टाग्राम पे। एंड देन आई ऑर्डर्ड अगेन अनदर सनस्क्रीन, क्योंकि अब सर्दियां भी आ रही हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सनस्क्रीन लगाना बंद कर देंगे, यू हैव टू डू दैट। और इन्होंने कोई सैंपल भेज दिया मुझे, खैर आई डोंट केयर अबाउट द सैंपल थिंग, बट यस आई हैव ऑर्डर्ड अ लॉट ऑफ स्टफ। और इसकी डिटेल वीडियो जो है मैं इंस्टाग्राम पे बनाऊंगी, अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो आप कर सकते हैं। बाकी ये ऑर्डर मेरा 15 से 20 दिन लगे हैं इसको आने में। अब एक एक प्रोडक्ट यूज़ करूँगी, जब मैं यूज़ कर लूँगी, मैं सेटिस्फाई होंगी, तभी मैं उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगी। बाकी कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं, मतलब जब से मैं थोड़ी सी बीमार हुई थी ना, तो थोड़ी सी डीमोटिवेशन आ गई है दिल में, आई डोंट नो रिलेटेड टू वॉट, बट कुछ ज़्यादा काम करने का मन भी नहीं करता, मतलब कि मैं काम करूँ या फिर मैं रील बनाऊं। तो प्लीज़ गाइस, मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन की ज़रूरत है। बाकी मेरे पास कंटेंट वगैरह तो भर भर के पड़ा हुआ है, और सामान भी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ बहुत डिलिब्रेटली, बट वो जो दिल में मोटिवेशन है ना, वो शायद थोड़ी सी ख़त्म हो गई है। सो प्लीज़ मोटिवेट मी। और बाकी अब गुरसाहिब जी देखते हैं क्या कर रहे हैं। सो मैं अभी जॉब से आ चुकी हूँ, जस्ट अभी आई थी, तो मैंने फरमाइश की गुरसाहिब जी आज सोए सोए मजा मारे हैं इन्होंने आज, ठीक है। जब मेरी थोड़ी लेट जॉब होती है ना, गुरसाहिब जी के मजे होते हैं, इनका मी टाइम हो जाता प्रॉपर। तो मैंने कहा कि अब रेस्ट वेस्ट तो कर ही लिया, मेरे लिए चाय बना दो बढ़िया सी। सो गुरसाहिब जी बना रहे हैं चाय रात के 11 बजे, कितने बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं। तो चाय की तैयारी हो रही है, बढ़िया भाई बढ़िया। चाय पीने के बाद मैं तो अपनी वीडियो एडिट करने लग गई हूँ, और गुरसाहिब जी सारा टाइम, या आई थिंक 10वीं बारी शेल्डन देखा होगा इन्होंने, तो वही गुरसाहिब जी तो साथ साथ सो भी गए हैं देखते देखते। तो हमारे घर में ना आई थिंक शेल्डन 10वीं या 15वीं बारी चल रहा होगा, और इसके एपिसोड हम दोनों ने मिलके बैठ के, कुछ नहीं मिल रहा होता ना तो हम यही देखते हैं, हमें तो बहुत मज़ा आता है। तो आप भी कमेंट करके बताना कि आप भी शेल्डन देखते हो। और बाकी मैं वीडियो एडिट कर रही थी, तो मैंने देखा गुरसाहिब जी ने एक टॉपिक के ऊपर बात करी है, जिसमें उन्होंने बात करी है एक बंदे के बारे में, जो कि उन्होंने अपनी वीडियो में डिस्कस करा है बहुत खुल के, कि किस तरीके से लोग क्या कहते हैं शॉपलिफ्टिंग वगैरह में ज़्यादा वो ध्यान देते हैं। ये चीज़ें गुरसाहिब जी ने डिटेल में बताया, और डिटेल में बहुत अच्छा बताया, ये कोई ब्रेयर ही बंदा बोल सकता है दिल की बात। तो उन्होंने अपनी पूरी वीडियो में ये सब बताया कि किस तरीके से आजकल लोग घूसखोरी टाइप की कर रहे हैं, जैसे कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ अब मैं, बट मुझे उनकी वीडियो इतनी अच्छी लगी ना जब मैंने आज सुबह देखे, मैंने सारे कमेंट्स पढ़े और बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने कमेंट कर रखे थे, थैंक्स कर रहा था, इनका शेल्डन बन कर के आऊँ यार मैं। नो यार, मैं थोड़ी सी अब किचन अपनी साफ कर दूँ, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। मैं जब जॉब पे गई थी तो मेरे पास टाइम नहीं मिला था, तो बर्तन धोने हैं, डिश वॉशर में लगाने हैं, सो लेट्स डू दैट। द अदर रिंग ऑन माय रिस्ट इज गोल्ड, पेयरिंग विद द लाइट इट होल्ड्स, व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम माय स्किन एंड बोन, आई एम रिमेंबरिंग द वर्ड्स यू टोल्ड। सो गाइस, किचन तो मैंने एकदम चमका दी है। सबसे गंदी चीज़ मुझे लगता है रात को किचन गंदी छोड़ना, क्योंकि फिर जब सुबह उठो ना बड़ा गंदा लगता है। इट्स बेटर कि रात को ही प्रिपेयर करके सो, आराम से सुबह तसल्ली से उठो, बहुत अच्छा लगता है। और अब गुरसाहिब जी भी सो गए हैं, और अब कल हमने जॉब पे भी जाना है। आज का दिन इतना ज़्यादा हैक्टिक था ना, इतना ज़्यादा हैक्टिक था कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, अगर हमारी सी वीडियो अच्छी लगी तो, मुँह भी जमान लड़खड़ा रही है क्योंकि नींद आ रही है ना।
तो बाकी अगर हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।